السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد آج بتاریخ 14/5/2020 رمضان المبارک کے سلسلے کی آخری کڑی اور آخری درس اعتکاف اور زکات فطر سے متعلق ہے اعتکاف یہ رمضان المبارک کے کاموں میں سے ایک اہم ترین کام اور عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے اس سے پہلے کہ اعتکاف کی اہمیت اور اس سے متعلق رب کریم کی عظیم حکمتوں کو سمجھیں اعتکاف کا معنی اور مفہوم ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے اعتکاف عربی زبان میں لزوم الشیء والاقامۃ علیہ پنکھا ذرا بند کرو لزوم الشیء والاقامۃ علیہ اعتکاف کہا جاتا ہے کسی چیز کو لازم پکڑنا اور اس پر قائم ہو جانا کسی چیز کو لازم پکڑنا اور اس پر قائم ہو جانا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ معنی بھی ہے الاقبال علیہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا وحبس النفس علیہ نفس کو اس کام کے لیے روک لینا والمواظبۃ علیہ اور اس کام پر باقی رہنا لا يصرف عنه وجهه على سبيل التعظيم خيرا كان او شرا اپنا چہرہ اس سے نہ پھیرنا تعظیم کے اعتبار سے وہ معاملہ خیر پر مشتمل ہو یا شر پر مشتمل ہو تو اس کو اعتکاف کہا جائے گا تو وہ چیز جسے انسان لازمی طور پر اختیار کر لے اور اس پر اپنے نفس کو روک لے اور اس پر قائم ہو جائے اس کی طرف متوجہ ہو اس سے اپنے آپ کو نہ پھیرے اور اس کی عظمت اس کے دلوں کے اندر قائم رہے تو وہ اعتکاف ہے خواہ وہ معاملہ خیر پر مشتمل ہو یا شر پر مشتمل ہو اور اسی سے متعلق وہ آیت کریمہ ہے جو میں نے پڑھی وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجدوں کے اندر اپنے اور ان کا فرمان بھی ہے وَيَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ یعنی وہ اپنے بتوں پر قائم کیے ہوئے ہیں اس جیسی اس مفہوم کی آیات اور بھی ہیں جن کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کسی چیز کو
किसी जगह को किसी अजीम मकसद के लिए लाजिम पकड़ ले और उस पर अपने आप को कायम कर ले और पूरे तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, अपने नफ्स को उसके लिए रोक ले। और इकामत ये जुज़वी और वक्ती ना हो बल्कि उस पर हमेशगी इख्तियार कर ले, यानी अपने आप को पूरे तौर पर उसके लिए कायम करें, उसकी तरफ मुतवज्जे हो, उससे चेहरा न फेरें। तो ये बातें और ये सिफात जो अभी ज़िक्र की गई, ये एतकाफ़ के लुग़वी माने के अंदर आते हैं, यानी अपने आप को रोकना, किसी जगह को लाजिम पकड़ लेना और उसके अंदर अपने आप को कायम करना, मुतवज्जे हो जाना, चेहरा उससे न फेरना और उस पर हमेशगी इख्तियार करना। इसी तरीके से शरी एतबार से इसका मफहूम एतकाफ़, ये तो लुगवी एतबार से माना और मफहूम था। शरीयत की ज़ुबान में एतकाफ़ बोल करके उससे जो मुराद लिया जाता है, अहले इल्म ने कई एक तारीफ़ात इसकी ज़िक्र की हैं। कुछ लोगों ने कहा लुज़ूमुल मस्जिद लिताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत के लिए मस्जिद को लाजिम पकड़ लेना। कुछ लोगों ने कहा लुबसु सॉइमिन फी मस्जिद जमातिन बिनिया, रोज़ेदार का मस्जिद के अंदर और वो भी जमात वाली मस्जिद के अंदर नियत के साथ रुक जाना, ठहर जाना। इस जैसे तारीफ़ात अहले इल्म ने कई एक ज़िक्र किए हैं। इन सारी तारीफ़ात को सामने रखने के बाद जो शरई एतबार से इसका मफहूम समझा जा सकता है वो ये लुज़ूमु मस्जिद जमातिन बिनियतिन लिइबादतिल्लाह फी, इबादत के इरादे से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत के कसद से मस्जिद को, वो जिसमें जमात का अहतमाम होता हो, जमात वाली मलाजिम पकड़ना, जमात वाली मस्जिद को इबादत के इरादे से, रब्बे करीम की इबादत और बंदगी के इरादे से मस्जिद जमाआ को लाजिम पकड़ना, किसी मुतय्यन शख्स का, यानी कोई शख्स लाजिम पकड़ ले किसी जमात वाली मस्जिद को इबादत के इरादे से, मखसूस शुरूत के साथ जो आगे इंशाल्लाह ज़िक्र किए जाएंगे, मखसूस शुरूत के साथ और मखसूस वक्त में, मखसूस हालात में, यानी चंद अहम शुरूत है, उन शुरूत की रियायत करते हुए इंसान इस इबादत को लाजिम पकड़े। और कुछ अहम औसाफ हैं, उन औसाफ को बाकी रखे अपने ऊपर, और कुछ मुतय्यन वक्त है, उस मुतय्यन वक्त के अंदर इन औसाफ के साथ वो अपने आप को मस्जिद के अंदर लाजिम पकड़े, तो ये एतिकाफ कहलाता है। इबादत के इरादे से किसी मुतय्यन शख्स का मस्जिद को लाजिम पकड़ना, मखसूस शराइत के साथ और मखसूस हालात और औसाफ़ की रियायत करते हुए,
متعين وقت کے لیے، متعین اور مخصوص وقت کے لیے. یہ معنی اور مفہوم ہے شرعی اعتبار سے اعتکاف کا. یہ ہے اعتکاف، جو شریعت کی زبان میں جب بولا جائے تو یہ مفہوم آتا ہے. مسجد جماعہ کو عبادت کے ارادے سے کسی متعین شخص کا لازم پکڑنا. چند اہم شروط کی رعایت کرتے ہوئے مخصوص حالات کے ساتھ اور متعین اور مخصوص وقت کے اندر. ان باتوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اس عبادت کو اختیار کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا معتکف، اور اس کے عمل کو کہا جائے گا اعتکاف. اس کے چند اہم شروط کیا ہیں؟ وہ شروط جو ابھی جن کی طرف اشارہ ہوا، یہ چند اہم شروط کیا ہیں؟ ان شروط کے حوالے سے اہل علم نے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ چند ایک ہیں. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے شخص کے اندر صفت اسلام پائی جائے، یعنی وہ مسلمان ہو، وہ شخص مسلمان ہو. کیونکہ اس سے پہلے بھی صیام اور زکاة کی عبادت کو ذکر کرتے وقت میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر کافر حالت کفر میں کوئی بھی عبادت انجام دے تو اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتا. ایک جگہ اللہ رب العالمین فرمایا سورہ فرقان، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل، جو کام بھی انہوں نے کیا ہے اس دنیا کے اندر ہم انہیں بکھیر دیں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو اللہ رب العالمین کے ہاں ان اعمال کی جو حالت کفر میں کیے جائیں اس کا کوئی وزن نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں اور ناقابل قبول ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا سورۃ توبہ آیت نمبر 54، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں اس کے قبولیت کے لیے رکاوٹ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ کفر کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے رہے، اس بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کے نفقات کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ ہے رکاوٹ کہ جب تک کفر ہے، کفر کے ساتھ ساتھ کوئی بھی عبادت رب کریم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، وہ بدنی عبادات ہوں یا مالی عبادات. عبادت کوئی بھی اللہ رب العالمین کے ہاں کفر کے ساتھ قبول نہیں ہوگی. یہ پہلی شرط اور تمام عبادات کے لیے شرط ہے، کسی ایک عبادت نہیں، ساری ہی عبادتوں کے لیے شرط ہے، جیسا کہ آیات سے واضح ہے. دوسری شرط عقل، دوسری شرط عقل، یعنی وہ انسان جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ سوچنے سمجھنے والا انسان ہو. اگر عقل کی صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی، پاگلپن اور جنون کی صفت اس کے یہاں ہے، تو اس کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں. قلم ایسے لوگوں کے اوپر سے اٹھا لیا گیا، رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق.
तो जब तक कि जुनून उसका ख़त्म ना हो जाए और वो होशो हवास की कैफियत में ना आ जाए, उस वक्त तक उसके ज़रिए से किए गए काम का कोई एतबार नहीं है। कलम ऐसे लोगों से उठा लिया गया है, क्योंकि नियत के बग़ैर किसी भी अमल का कोई एतबार अल्लाह रब्बुल आलमीन के नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियत। और जिस शख्स के पास अक्ल नहीं है, सोचो समझ नहीं है, वो इंसान इबादत की नियत नहीं कर सकता। तो अगर किसी के पास अक्ल नहीं है, जुनून की कैफियत है या बेहोश है वो इंसान, होश उसे नहीं है, तो नियत नहीं कर सकता। और नियत के बग़ैर कोई भी अमल वो मुतबर नहीं है शरीयत की निगाह में। इसी तरीके से तीसरी शर्त तमीज़ है। तमीज़ अगर इंसान सही और गलत के दरमियान फ़र्क करना जानता है, इबादत और गैर इबादत के दरमियान फ़र्क करना जानता है, अलग अलग करना उसे आता है, क्या नेकी है क्या बुरी है दोनों के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत उसके अंदर है। तमीज़ की सिफत दो मुतजाद चीज़ों को एक दूसरे करने की सिफत अहलियत अगर किसी के अंदर है तो उसको कहा जाता है मुमय्यिज़, तमीज़ करने वाला, अलग अलग करने वाला। कि ये दो चीज़ें हैं पर ये दोनों अलग हैं, ये अलग है ये अलग है, फ़र्क करने की सलाहियत, फ़र्क करने की सलाहियत अगर किसी के अंदर है और तमीज़ के ताल्लुक से अहले इल्म ने जो ज़ाब्ता ज़िक्र किया है वो ये, अन्नहु यफ़हमुल ख़िताब व युहसिनु रद्दल जवाब। यफ़हम अल ख़िताब व युहसिनु रद्दल जवाब व मक़ासिद अल कलाम, कि जो बात को समझ ले, जो बात उसके सामने रखी जाए बात को समझ सके, बात को समझने की सलाहियत उसके अंदर है और गुफ्तगू कर सके, अगर कुछ पूछा जाए तो उसका वो जवाब दे सके, और बात से जो मकसूद है वो जान सके कि क्या कहना चाहते हैं, उन चीज़ों का वो इदराक कर सके, इसको कहा जाता है कि ये बच्चा नहीं है बल्कि बच्चे के साथ साथ उसके अंदर समझदारी भी है, तमीज़ की सलाहियत भी है। तो अगर सभी मुमय्यिज़ है, बच्चा जिसके अंदर तमीज़ की सलाहियत है, फ़र्क कर सकता है अच्छे बुरे के दरमियान, तो ये सलाहियत अगर किसी के अंदर है कि अगर उसे बताया जाए कि अच्छा है तो समझ जाए, बताया जाए बुरा है तो समझ जाए, दोनों के दरमियान फ़र्क को जान ले, उसका इदराक कर ले, उसके अंदर ये अहलियत है, तो मुमय्यिज़ है वो बच्चा। और ऐसा शख्स, ऐसा बच्चा अगर एतिकाफ़ करता है तो उसका एतिकाफ़ सही और दुरुस्त होगा। क्योंकि अगर वो इस क़दर छोटा है कि वो इन सब चीज़ों का इदराक भी नहीं करता, उसके अंदर ये सारी की सारी सलाहियतें नहीं हैं कि वो बातों को समझ सके,
और उसके मकासद से वाकिफ़ हो सके। अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं आती हैं तो वो एतिकाफ़ के मकसद से भी आगाह नहीं हो सकता। तो जो मकसूद है एतिकाफ़ से, वो मकसूद उसे हासिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी बात ही को नहीं समझ पा रहा है, चे जाए कि उसके मकासद से भी वो आगाही हासिल कर सके। तो ये उसकी अहम शर्तों में से एक है कि वो शख्स जान सके इन सब चीज़ों को। इसके शर्तों में से एक शर्त है नियत, कि इंसान नियत करे, इरादा करे, क्योंकि मस्जिद के अंदर बैठने और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का इरादा करने का जब तक इंसान कसद नहीं करता, उसके बैठक को एतिकाफ नहीं कहा जा सकता। जब ये ख़ास इरादे के साथ वो मस्जिद का कसद करता है तो उसके उस कसद का एतबार किया जाता है। अगर वो नमाज की अदायगी का कसद करता है तो उसके साथ उसकी नियत है, उसकी नमाज अदा होगी। और अगर उसके साथ साथ इस बात का भी इरादा करता है कि वो मस्जिद के अंदर रुकेगा, ठहरेगा, और उसकी ये नियत है, ये इरादा है, तो उसके इरादे के एतबार से उसका हुक्म होगा। तो नियत शर्त है तमाम इबादत के लिए, और उन्हीं में से एक ये इबादत जिसे एतिकाफ कहते हैं उसके लिए भी ये शर्त है। उसके बग़ैर कोई भी इबादत सही नहीं और ये एतिकाफ भी सही नहीं होगा। इन्हीं नियतों, इन्हीं शर्त में से एक शर्त यह है कि वो एतिकाफ मस्जिद के अंदर हो। और बाज़ अहले इल्म ने कहा कि वो मस्जिद जमा हो, यानी जिसमें जमात कायम हो वो मस्जिद। जैसा कि अभी सूरह बकरा की आयत नंबर 187 की आयत करीमा मैंने पढ़ी, व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, कि तुम मस्जिदों के अंदर एतकाफ करने वाले हो। एतकाफ मस्जिद के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एतकाफ को मस्जिद के साथ जोड़ा, तो मस्जिद के अंदर एतकाफ करना ये उसके शुरूत में से है, जैसा कि आयत करीमा में रब्बे करीम ने ज़िक्र फरमाया। और उस पर अमल करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर एतकाफ किया और ज़िंदगी भर करते रहे, और आपके बाद भी ये सिलसिला इसी तौर कायम रहा। तो इससे मालूम हुआ कि एतकाफ के शुरूत में से एक शर्त यह है कि इंसान मस्जिद के अंदर एतकाफ करे, ऐसी मस्जिद जिसमें जमात का एहतमाम हो, क्योंकि जमात की के साथ नमाज की अदायगी के लिए बार बार उसे मस्जिद से ना निकलना पड़े, इसलिए इसका एहतमाम ज़रूरी है। जुमा अगरचे ना कायम होती हो और उसकी अदायगी के लिए उसे किसी और मस्जिद की तरफ जाना पड़े, पर वो हफ्ते में सिर्फ एक बार का निकलना होगा, ना कि बार बार का। इसी तरीके से इन्हीं शुरूत में से एक शर्त ये है कि हदसे अकबर से उपाक हो। एतकाफ करने वाला शख्स हदसे अकबर का से पाक हो। हदसे अकबर से क्या मुराद है? यानी ऐसा हदस जिससे तहारत हासिल करने के लिए उसे गुस्ल की ज़रूरत हो,
ऐसा मामला कि उसमें इंसान को गुस्ल करने की ज़रूरत हो, उसके बग़ैर उसे तहारत हासिल ना हो सके, जैसे हैज, निफास और जनाबत। हैज, निफास और जनाबत। तो अगर कोई औरत मस्जिद के अंदर एतकाफ करना चाहती है तो शर्त उसके लिए है कि वो हायदा ना हो। ऐसे ही निफास का खून यानी विलादत के बाद आने वाला खून, उसका सिलसिला जारी ना हो, इस हालत में वो मस्जिद के अंदर एतकाफ नहीं कर सकती। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे आतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में इशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं हज़रत उम्मे आतिया, अमराना यानी नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, अन नुख्रिजा फिल ईदैन, की ईदुल फितर और ईदुल अज़हा की नमाज़ों के लिए हम निकालें अपने घरों से अल आवातिक व ज़वातुल खुदूर, उन कुंवारी बच्चियों को जो कि घरों के अंदर रहने वाली हैं, पर्दा नशीन ख़वातीन। और साथ ही साथ आपने हुक्म दिया वो अमर अलहुयदा यातज़िलना मुसल्लल मुस्लिमीन, और हायदा औरतों को आपने हुक्म दिया कि वो मुसलमानों के मुसल्ला से अलग रहें, मुसलमानों के मुसल्ला से अलग रहें। अयातज़िलना मुसल्लल मुस्लिमीन, ये रवायत सही बुखारी और मुस्लिम की है। सही बुखारी हदीस नंबर 931, सही मुस्लिम 890। अयातज़िलना मुसल्लल मुस्लिमीन, मुसलमानों के ईदगाह से उनके मुसल्ला से वो अलग रहें। अयातज़िलना, अगर मुसल्ला का ये हाल है कि हायदा और नफसा को नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग रहने का हुक्म दिया तो मस्जिद का मामला इससे भी ज़्यादा अहम है। गोया कि मस्जिद के अंदर ऐसी औरतों को इबादत के इरादे से दाखिल होने की इजाज़त या किसी भी इरादे से मस्जिद के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से जुनबी शख्स के लिए रब्बे करीम का ये फरमान जो सूरह निसा आयत नंबर 43 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून व ला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग्तसिलू। ऐ ईमान वालो, तुम नमाज के करीब ना जाओ इस हालत में कि तुम नशे में हो, नशे की हालत में तुम नमाज के करीब न जाओ, यहाँ तक कि तुम जानने लगो जो कुछ तुम कहते हो, बातों को समझना तुम्हें आने लगे। वला जुनूबन, और न ही हालत जनाबत में नमाज के करीब जाओ। इल्ला आबिरी सबीलिन, हाँ मगर रास्ता पार करने के इरादे से अगर कोई ऐसा फंसा हुआ है कि उसे मस्जिद से इसलिए निकलना है क्योंकि वो जुनबी हो चुका है, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। हत्ता तग्तसिलो, यहाँ तक कि गुस्ल कर लो, अगर गुस्ल कर लिया है जुनबी शख्स ने तो फिर मस्जिद में जाने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर ऐसा शख्स जिसे गुस्ल की हाजत और ज़रूरत है, उसके बग़ैर उसे तहारत नहीं हासिल हो सकती, तो उस हालत में वो इंसान मस्जिद के अंदर नहीं रह सकता, बल्कि वो मस्जिद के बाहर रहेगा। अब अगर इसी हालत में वो एतकाफ़ करना चाहे और एतकाफ़ मस्जिद के अंदर है तो इन हालात के अंदर वो एतकाफ़ नहीं रख सकते, ये उसके शुरूत में से एक शर्त है। इसी तरीके से आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, इन हैज़त की लैसत फी यदिकी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कंघा कर रही थी
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर मुतकिफ़ थे, तो उस मुनासिबत से थोड़ा सा उन्होंने जब हर्ज महसूस किया कि आप तो हालत इतकाफ़ में हैं और मैं हालत हैज़ से हूँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि तुम मुतकिफ़ के सर में तेल अगर लगाओ, कंघे करो, उनका सर धुल दो या और कोई भी चीज़, तो इसकी वजह से मुतकिफ़ के ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा तुम्हारे हैज़ की वजह से। गोया कि हैज़ ये मस्जिद के अहकाम के रास्ते की एक बड़ी रुकावट। तो इससे मालूम हुआ कि तहारते कुबरा जिसे गुस्ल कहते हैं, अगर उसकी ज़रूरत है तो बग़ैर गुस्ल किए हुए इंसान मस्जिद का कसद ना करे, और वहाँ ये अजीम इबादत जो इतकाफ़ की है जब तक कि गुस्ल से फारिग ना हो जाए उस वक्त तक मस्जिद के अंदर ना जाए। तो तहारत ये शर्त है, गुस्ल की तहारत अगर वो तीनों में से किसी को है, हायदा, नफसा और जुनूबी, तो जब तक उससे न फरागत हासिल हो जाए उस वक्त तक मस्जिद का कसद ना करें। इसी तरीके से एक मामला, हायदा का मामला तो क्लियर हुआ, लेकिन एक मामला आता है नफसा का, मुस्तहादा का, कि अगर औरत हालत हैज़ से नहीं है बल्कि हालत इस्तिहादा में है, तो क्या ऐसी हालत में वो एतिकाफ़ कर सकती है या नहीं कर सकती। हालत निफास में वो एतिकाफ़ कर सकती है या एतिकाफ़ नहीं कर सकती, इस हालत में इतकाफ़ करना जायज़ और दुरुस्त है या नहीं। सही और राजी कौल के मुताबिक ऐसी औरतों का जो हालत इस्तिहादा में हो इतकाफ़ करना जायज़ और दुरुस्त है, कोई हर्ज की बात नहीं है। वो औरत जिसको बीमारी की वजह से या शैतान के कचोका मारने की वजह से वो खून आ रहा हो जिसको इस्तिहादा कहते हैं, तो ऐसा कोई हर्ज की बात नहीं है, वो औरत उस हालत में भी अगर वो इतकाफ़ करती है तो उसके लिए सही और दुरुस्त है। और इस हवाले से बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ वाक़यात भी पेश आए हैं। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं, और उन वाक़यात पर अगर निगाह डाली जाए तो ये बात क्लियर और वाज़ेह हो जाती है कि इस हालत में अगर कोई औरत एतिकाफ़ कर रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतकफत माहु बाज़ु निसाईही वही मुस्तहादा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बाज़ बीवियों ने इस्तहादे की हालत में इतकाफ़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बाज़ बीवियों ने इतकाफ़ किया, तरद्दम जो कि खून के आने को देखती थी, फरुबमा वदअति तस्त तहतहा मिन अद्दम, और बसा औक़ात नीचे बर्तन भी खून को रोकने के लिए रख देती थी कि कहीं ज़मीन पर ना गिरे। तो उस ज़माने में जो भी बर्तन की शक्लें मैसर रही होंगी वो खून को रोकने के लिए या खून इधर उधर न जाए वो अपने नीचे बर्तन रख देती थी। और
حدیث کے بعد الفاظ میں ہیں اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراۃ من ازواجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، فکانت تر الدم والسفرت، وہ خون کو اور خون کے اندر آنے والے پیلے رنگ کو، یعنی اس رنگ کے خون کو وہ دیکھتی تھی، والطست تحتها، اور برتن ان کے نیچے ہوتا، وفی لفظ بعض الفاظ میں ہیں فکانت تر الحمرۃ والصفرۃ، وہ سرخ اور پیلے رنگ کے خون کو دیکھتی تھی، فربما وضعن الطست تحتها وهي تصلی، بسا اوقات وہ حالت نماز میں ہوتی اور ہم ان کے نیچے محسوس کرتے، ہمیں لگتا کہ یہاں برتن رکھ دینا چاہیے۔ یہ سب روایتیں صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت حالت استحاضہ میں ہے، حالت استحاضہ یعنی ناپاکی والے خون جسے حیض کہتے ہیں، اس کے علاوہ بیماری کی وجہ سے یا شیطان کے کچوکا مارنے کی وجہ سے رگ پھٹ جاتی ہے اور اچھا بھلا خون نکلنے لگتا ہے، تو اس حالت میں اگر کوئی عورت ہے اور وہ اعتکاف کر رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس سے جب تک وہ فارغ نہیں ہو جاتی مسجد کے اندر نہیں رہ سکتی۔ ہاں، مسجد کے تقدس کو اور اس کی طہارت اور پاکیزگی کو باقی رکھنے کے لیے ہر اس چیز کا استعمال کرے جو ہر دور کے اعتبار سے بہتر سے بہتر چیز ہو سکتی ہے پاکی اور صفائی کے لیے۔ اس دور میں جو چیزیں رائج اور میسر تھیں اس کا انہوں نے استخدام کیا، آج کے دور میں جو ہی چیزیں میسر ہیں، پمپرس وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ جو کچھ بھی رہے وہ اسی طرح کے کپڑوں کے ساتھ رہے اور اس کے اثرات زمین تک یا فرش تک یا اس کے اوپر بچھی ہوئی چٹائیوں اور قالینوں تک نہ سرایت کر سکے۔ تو مسجد کی نظافت، مسجد کی صفائی اور ستھرائی، اس کی پاکی اور اس کی خوشبو کو باقی رکھنے کے لیے ہر طرح کا اہتمام ہر دور کے اعتبار سے کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ پر اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسی عورت ہے اور وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے جائز اور درست ہے، کسی بھی طرح کے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ تو اس کے شروط میں سے حیض اور نفاس کے خون کی رکاوٹ ہے، یہ خون اگر ہے تو یہ نجس خون ہے، اس سے پاکی ضروری ہے، پر استحاضے کا خون، بیماری کا خون، یہ نجس اور ناپاک نہیں بلکہ وہ پاک خون ہے، وہ بیماری کا خون ہے، وہ رگوں سے آیا ہوا صاف ستھرا خون ہے، وہ نجس اور ناپاک نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ تمام طرح کی عبادتیں صحیح اور درست ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انہی شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ شوہر سے اس کی بیوی اور آقا سے اس کا غلام اجازت لے لے، کیونکہ یہ واجبی عبادت نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہو، فرض عین کے طور پر ہر ایک شخص کے اوپر، کہ اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، یہ استحبابی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے۔ ہر طرح کی نفلی عبادتوں کے لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں سے اجازت لینے کے بعد ہی اس طرح کی عبادتیں انجام دیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے کچھ واقعات پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کا ارادہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت لی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में जब हज़रत हफ्सा को पता चला कि उन्होंने इजाज़त ली है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्होंने हज़रत आयशा के ज़रिए से ख़बर भिजवाई, आप मेरे लिए भी इजाज़त ले लें, मैं भी इतकाफ़ में बैठना चाहती हूँ। उन्होंने भी इजाज़त ले लिया। तो इससे मालूम हुआ कि अगर बीवी अपने इजाज़त ले लेती है, वो इजाज़त दे देता है, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, वो उनकी इजाज़त के बाद एतिकाफ और इसी तरीके से दीगर नफली इबादात को वो अंजाम दे सकती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फ़रमाया, ये रिवायत भी सही बुखारी मुस्लिम की है, ला यहिल्लु लिमरातिन अन तसूम व ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्नी, किसी भी औरत के लिए हलाल और जायज़ नहीं है कि वो रोज़ा रखे और उसका शोहर मौजूद हो मगर उसकी इजाज़त से। अगर वो मौजूद है नफली रोज़े अगर वो रखना चाहती है तो शोहर से इजाज़त लेने के बाद ही वो इस तरह के नफली इबादात को अंजाम दे। ये कुल कितने शुरूत हो गए? नंबर एक इस्लाम, नंबर दो अक्ल, नंबर तीन तमीज़, नंबर चार नियत, नियत उन्हीं शुरूत में से है, नंबर पाँच इतकाफ मस्जिद जमा के अंदर हो, नंबर छः हदीसे अकबर से पाक हो, नंबर सात इजाज़त लेना औरत का अपने शोहर से इजाज़त लेना। अगर वो इजाज़त ले रही है तो सही और दुरुस्त है, इजाज़त के बग़ैर शोहर उसे मना कर सकता है, रोक सकता है। अगर शोहर की इजाज़त के बग़ैर औरत एतकाफ़ या इसी तरह से दीगर नफली इबादात इजाज़त के बग़ैर शोहर मौजूद हो, उसकी इजाज़त के बग़ैर ऐसी कोई इबादत अगर औरत अंजाम देती है तो उसका हुक्म क्या है? फासिद होगा, बातिल होगा, नाजायज़ और हराम होगा? नहीं, वो इबादत सही होगी, वो इबादत सही होगी, क्योंकि इबादत की सेहत के लिए जिन चीज़ों की जिन उमूर को ज़िक्र किया गया है उनमें से ये नहीं है। हाँ अलबत्ता इजाज़त ना लेने की वजह से वो गुनहगार होगी, नाफरमान होगी, तो मासियत के साथ उसकी इबादत ये सही होगी। इसीलिए कुछ अहले इल्म ने इसे शर्त के तौर पर ज़िक्र नहीं किया है, बाज़ अहले इल्म ने इसे शर्त के तौर पर ज़िक्र किया और कुछ अहले इल्म ने इसे शर्त के तौर पर ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि अगर किसी को हैज़ का खून आ रहा हो वो इतकाफ़ करे तो इतकाफ़ सही होगा? नहीं होगा। अगर कोई मस्जिद के अलावा घर के अंदर एहतिकाफ़ करना चाहे एहतिकाफ़ सही होगा? नहीं होगा। उसका उसकी नियत और उसका इरादा ही ना हो और वैसे ही वो बैठा हुआ हो दो तीन दिन से मस्जिद के अंदर, एहतिकाफ़ कहलाया जाएगा? नहीं होगा। और औरत की इबादत अगर एहतिकाफ़ कहलाई जा सकती है शोहर की इजाज़त के बग़ैर, तो इसका माना यह है कि वो अकमल तरीन शक्ल होगी, यानी इस्तेहबाबी हुक्म होगा कि वो शोहर से इजाज़त ले ले ताकि वो इबादत उसकी मुकम्मल तौर पर सही हो सके, लेकिन शर्त नहीं है। वो ज़रूरी है पर शर्त नहीं है और वो गुनहगार होगी अगर वो इजाज़त नहीं लेती। तो ये कुल छह शुरूत हैं और सातवें के बारे में इख्तलाफ है, और सही बात यह है कि वो शर्त नहीं है, अलबत्ता वो उसके लिए अहम है।